भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार शुक्रवार सुबह रुड़की लौटते समय हादसे का शिकार हो गई। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्चर आया है, पीठ और माथे पर भी चोट लगी है। बता दें माथे पर कुछ नाके भी आए हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज स्पीड से पहले डिवाइडर के किनारे लगी लोहे की मजबूत रेलिंग से टकराई, उसके बाद उड़ते हुए रेलिंग तोड़कर डिवाइडर के बीच लगे खंभे को तोड़कर हाईवे के दूसरी तरफ जा पहुंची। तेज गति से सड़क पर खसीटते हुए कार करीब 200 मीटर की दूरी पर जाकर थमी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें नारसन से रुड़की की ओर करीब 8 किलोमीटर की दूर पर स्थित सक्षम हॉस्पिटल पहुंचाया। सक्षम हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील नागर ने बताया कि भर्ती के दौरान ऋषभ पंत की हालात थोड़ी गंभीर थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा तो हालात ठीक होने लगे। ऋषभ पंत को देहरादून स्थित मैक्स हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। बताया गया कि यहाँ ऋषभ पंत की प्लास्टिक सर्जरी भी होगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहन दुर्घटना में घायल ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उनका समुचित इलाज कराने की सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि उनके इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगर एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होगी तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी।